हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी फ्रेंड्स इस सेशन में हम देखने वाले हैं आपकी सी टेट उनतीस जनवरी चूंकि आज ठीक है मैथ में पूछे गए क्वेश्चन फर्स्ट सेफ्ट के ये क्वेश्चन हैं तो आप यहां पर मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और यदि आपको कोई क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें और विथ ऑप्शन की ठीक है तो यहाँ पर आपका आज क्वेश्चन पूछा गया है पचास से सौ के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका एक सेप्टर में और पूछा गया था और आज फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो सबसे पहले तो आपको जब पता होगा कि संख्याएं होती क्या हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इसके बाद आपकी पूर्ण पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं ठीक है इसके बाद भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं तो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं कहाँ से शुरू होती हैं एक से और कहाँ तक जाती हैं इनफाइनाइट तक ठीक है तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्या से गिनती हम करते हैं गणना हम करते हैं ठीक तो है यदि आपसे पूछ ले संख्याएं होती है आपकी संख्या हैं ठीक तो है नेक्स्ट होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो संख्या हैं तो पूर्ण संख्याएं जीरो से लेकर के कहा जीरो से शुरू होती हैं और एनफाइनाइट तक चलती हैं ठीक है ?के ?के ?के? तो पूर्ण संख्याएं है कहलाती हैं अब इसको W से दर्शाते हैं इन्हें होल नंबर कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है फिर आपको बता दें भाज्य संख्याएं तो ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो ये प्राइम नंबर जिन्हें कहते हैं और एक होते हैं आपकी आ, को प्राइम नंबर ठीक है तो जो आपकी भाज्य संख्याएं हैं ऐसी प्राकृत संख्याएं क्या बोला हमने ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके टुकड़े संभव हों अर्थात जिनमें एक का भाग चला जाए स्वयं जो संख्या दी गई है उसका भाग चला जाए और अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर चार तो चार आपकी एक भाज्य संख्या है इसमें एक का भाग चला जाएगा ठीक है इसके अलावा चार में चार का भी भाग चला जाएगा इसके अलावा जैसे चार है तो इसमें दो का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का एक का और इसके अलावा एक से अधिक जो अन्य भी हो सकती हैं ठीक है थीके? तो इन संख्याओं का भाग चला जाए वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं अब हमारा क्वेश्चन है अभाज्य सी तो अभाज्य संख्याएँ क्या कहलाती हैं तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता है और जो संख्या दी गई है संख्या स्वयं का भाग जाता है मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें एक का और स्वयं का भाग जाता है इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता वो आपकी अभाज्य संख्याएं है कहलाती हैं जैसे हमने कह दिया दो तो दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सम मानी जाती है आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन सी है तो वो दो है अब ये दो कैसे अभाज्य है तो सबसे पहले यहाँ दो लिया हमने तो दो में एक तो दो का ही भाग जाएगा और एक एक का भाग जाएगा बाकी अन्य किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता है तो वही आपको बताया कि ऐसी संख्याएँ जिनमें केवल स्वयं का और एक का भाग जाए वो अभाज्य होती हैं और जिनमें स्वयं का एक का और इसके अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं तो हमें यही बताना है कि 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक से लेकर के सौ तक जितनी अभाज्य संख्या कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी तो एक से सौ तक के बीच में आपकी पच्चीस अभाज्य संख्याएँ होती हैं अब हमसे पूछा है पच पचास से लेकर सौ के बीच में तो सबसे पहले पचास से लेकर सौ के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो कितनी है दस है इसका राइट आंसर आपका दस होगा अब आपको बता दें एक से पच्चीस तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं याद रखिए आप ठीक है ये बिल्कुल डाटा है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए मौखिक रूप से ठीक है तो एक से पच्चीस के बीच में नौ अभाज्य संख्याएं होती हैं इसके बाद एक से पचास के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है ठीक है तो एक से पचास के बीच में होती हैं पंद्रह भाज्य संख्याएं इसके बाद एक से पचहत्तर के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो इक्कीस अभाज्य संख्याएं होंगी इसके बाद एक से सौ के बीच में अभी आपको बता दिया कितनी होंगी तो पच्चीस अभाज्य संख्याएं होंगी जैसे पूछ लिया पचास से सौ के बीच में कितनी है तो दस हैं तो ये भी तो पूछ सकते हैं कि पच्चीस से पचास के बीच में कितनी अभाज्य हैं तो पच्चीस से पचास के बीच में छः अभाज्य संख्याएं होती हैं ठीक है थीके? तो याद रखिए एक से दो सौ के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो एक से दो सौ के बीच में आपकी छियालीस अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आपको याद रखना है ये भी याद रखना है कि एक से सौ के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं सबसे पहला एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो यदि आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है ये भी पूछ सकता है ठीक है यदि आपसे पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार मानी जाती है ना कि दो दो तो आपकी अभाज्य संख्या है तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं तो आपको याद रखना है ठीक है यदि विषम अभाज्य पूछता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है तो वो तीन होगी और सम अभाज्य संख्या कौन सी है सबसे छोटी तो दो है ठीक है ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है एक त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने फलक होंगे तो एक त्रिभुजाकार पिरामिड दिया गया है और इसमें हमसे फलकों की संख्या पूछी गई है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाँच ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका बारह मिलियन भारतीय प्रणाली में कितना होगा तो बारह मिलियन भारतीय प्रणाली में कितना होगा तो आपको बता दें एक मिलियन होता है आपका दस लाख के बराबर कितने लाख के बराबर दस लाख के बराबर तो आपका यहाँ पर बता दें कि दस मिलियन कितने के बराबर होगा आपका ठीक है तो ऐसा आपको निकालना था तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो दस मिलियन होता है वो आपका होता है तो आपका जो दस मिलियन होगा वो कितने लाख के बराबर होगा सौ लाख के बराबर सौ लाख को हम क्या कहेंगे एक करोड़ कहेंगे ठीक है तो ये दस मिलियन का निकल आया दस मिलियन को कितना कहेंगे एक करोड़ कहेंगे फिर बचा यहाँ पर आ, दो मिलियन ठीक है दस का हमने निकाल लिया फिर बचा दो मिलियन तो जब एक मिलियन बराबर दस लाख होता है तो दो मिलियन बराबर कितना होगा यहाँ पर बीस लाख होगा तो टोटल कितना हो गया एक करोड़ बीस लाख तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक करोड़ बीस लाख ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका इस तरीके से ये आपको जोड़ करके बताना था इनका टोटल ठीक है तो यहाँ पर दिया था ग्यारह जीरो ग्यारह जीरो जीरो ठीक है फिर दिया था यहाँ पर तो आप पीछे से ऐसा लिखेंगे और इसको पूरा ऐड कर देंगे ठीक है फिर यहाँ पर लिखा था ग्यारह सौ ग्यारह सौ तो जैसे ही आप इसको काउंट करके सारे जोड़ेंगे तो आंसर आपका इतना आ जाएगा आप एक बार जोड़ सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एलसीएम से आज दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम विषम संख्याओं का एलसीएम होगा तो प्रथम क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होती हैं तो यहाँ पर मान के चलिए प्रथम सॉरी यहाँ सम संख्याएं होगा सम ठीक है सम पूछा गया था प्रथम क्रमागत सम संख्याओं का औसत तो प्रथम तो दो हो जाएगी सम संख्या चार हो जाएगी और छ हो जाएगी इनका आपको बताना था क्या एल तो एल निकालेंगे इसमें दो का भाग दे देंगे दो एकम दो दो दूनी चार और दो इितिया छः हो जाएगा फिर इसमें दो का भाग जाएगा तो यहाँ पर एक एक और यहाँ तीन आ जाएगा फिर तीन का तो इनका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई तो टोटल निकल करके आपका बारह आ जाएगा ठीक है विषम का भी हम बता सकते हैं लेकिन यहाँ आंसर आपका चेंज हो जाएगा ठीक है विषम जैसे एक लिख लिया तीन लिख लिया और यहाँ पर हमने पाँच लिख लिया इनका एल निकालेंगे तो वही आ जाएगा पंद्रह ठीक है तो यहाँ पर फिर पंद्रह हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा था दो बटा तीन और आपका तीन बटा चार का एल क्या होगा तो जब भी ऐसी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर कैसे जब एल पूछा है तो ऊपर की संख्याओं का हम एल निकालते हैं और नीचे की संख्याओं का निकालते हैं एस ठीक है uh, SCF, तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा छः आ जाएगा और आ, आ, आपका नीचे की संख्याएं जो तीन और चार दी गई हैं तो इसका एस कितना आ जाएगा एक तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा छः और यदि यहीं पर हम ये कह दें कि दो बटा तीन और तीन बटा चार में चार का एस क्या होगा एस कहेंगे तो ऊपर की संख्याओं का मासा निकालेंगे और नीचे की संख्याओं का लाशा निकालेंगे ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ एल जिसका भी पूछा जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ऊपर की संख्याएं यदि दी हैं तो पहले उसका एल निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का एस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा सिक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उन उनके वर्णित और वर्गीकृत करने के योग्य वो बैन हीले के अनुसार ज्यामिति के किस स्तर पर है यहाँ पर है प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर यहाँ गुण दिया हुआ ठीक है गुणों के आधार पर वर्णित तो और वर्गीकृत कर लेती हैं तो जयामिति स्तर हमने पढ़ा है बैन हीले का तो सबसे पहला जो इनका स्तर बताया इन्होंने चाक छूसीकरण बताया क्या बताया चाक छूसीकरण इसमें केवल दिखावट के आधार पर बच्चा बर, बताता है चीजों को तो ये नहीं है यहाँ कहा है गुणों के आधार पर तो गुणों के आधार पर इनका दूसरा स्तर जो होता है विश्लेषण स्तर एनालाइज स लेवल जो होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो आप बैन हिले थ्योरी देख करके जाए हर शिफ्ट में आज तो इससे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है ठीके? एक पूछा गया था कि एक बच्चा टीचर जो है वो कक्षा में बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ा रहा है तो बताइए वो किस थ्योरी का अनुसरण कर रहा है तो वहां पर ऑप्शन दिया था बैन हिले की थ्योरी ये थ्योरी ठीक है तो राइट आंसर था उसका बैन हिले थ्योरी का ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण को नहीं माना जाएगा यहाँ पर मतलब कोई बच्चा गणित में असफल हो रहा है तो उसका कारण क्या है मतलब यहाँ पर एक कारण नहीं है क्या नहीं है तो यही हमें बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक भेद लैंगिक भेद गणित में भयभीत और असफल होने का कारण नहीं माना जाता है यहाँ दिया है कक्षा कक्ष के अनुभव बिल्कुल कक्षा कक्ष के अनुभव हो सकता है ऐसे अनुभव मिल रहे हूँ बच्चे को जो उसको असफल बना दें प्रतीकात्मक संकेत गलत तरीके से दिए जा रहे हों गणित की संरचना ही गलत हो ठीक है तो ये सब कारण हो सकते हैं गणित में असफल होने की लैंगिक रूणीवादिता जो होती है वो गणित में असफलता का कारण नहीं माना जाता और हमसे यही पूछा है कि कौन सा एक कारण नहीं है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आज राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट में मिलाकर के बता दें आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप एनसीएफ जरूर कवर करके जाएं दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए क्या होना चाहिए क्या गणित के लिए उच्चतर गणित के लिए तैयार करना क्या बच्चों को इसीलिए हमें पढ़ाना चाहिए कि वो उच्च से उच्च गणित सीख सकें नहीं गणित की अमूर्त तो विचार केवल हमें केवल के अमूर्त तो विचार जानने से क्या बच्चे सीख जाएंगे सारा कुछ नहीं नेक्स्ट है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड क्या अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बच्चों में आ, सारी गणित का मतलब वेशभूषा तैयार कर सकते हैं नहीं इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से जोड़ जोड़ करके पढ़ाना चाहिए क्योंकि जब हम बच्चे के दैनिक अनुभव गणित में शामिल करेंगे तो बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे और हर एक बच्चा यहाँ पर समझ पाएगा तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी और यही हमारा एन भी सिफारिश करता है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको चार दीवार के अंदर ना होकर बाह वातावरण से जोड़ा जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है इसका नाम क्या है तो यहाँ स्पष्ट कहा है कि संख्याओं और परिकलन संबंधी कौशल में तो ये संख्याएं और परिकलन किसके अंतर्गत आती है आपके गणित के अंतर्गत और इस इसमें समस्या हो रही है मान के चलिए कोई संख्या है नाइन है ठीक है या किसी भी प्रकार से लिख, लिख दी गई है तो इसमें बच्चे को समस्या है या पढ़ने में समस्या है तो जब गणती अक्षमता होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं डिस्कैलकुलिया या गणती अक्षमता तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिसल्कुलिया ठीक है तो ये हुए गणित के कुछ क्वेश्चन जो आज पूछे गए और आगे आपको बता दें कि इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे भाज्य भाज्य संख्या मतलब संख्या पद्धति से आपके दो से तीन क्वेश्चन जैसे कल की शिफ्ट में पूछा गया था सम सम न, सम संख्या से ठीक है इसके बाद आपके जैसे भाज्य भाजा होते हैं इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके अलावा आपका पैटर्न से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ठीक है बैन हिले थ्योरी से आपका क्वेश्चन आ रहा एल सी एम एससीफ से क्वेश्चन आ रहा है आपका फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है थीके? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्हें आपका वर्क कर लें और यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर कर देना थैंक यू